कहा दोस्तों, मैं इस आर्टिकल के जरिए आप लोगों को बाज पक्षी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। बाज शक्ति, स्वतंत्र और श्रेष्ठता के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। संसार में बाज के लगभग 70 प्रजाति पाई जाती है। अंटार्कटिका महाद्वीप को छोड़कर बाज पक्षी पूरे संसार में पाए जाते हैं। बाज पक्षी को ईगल या शाहीन भी कहा जाता है। बाज को शिकांगो का भी सिटी बर्ड घोषित किया गया है। विश्व के कई देशों में बाज को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। घुमंतू बाज को UAE का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया हुआ है। घुमंतू बाज का इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध में कबूतरों द्वारा भेजे गए संदेश को रोकने के लिए किया जाता था। ज़्यादातर बाज की प्रजातियां एशिया और अफ्रीका में पाई जाती है। अमेरिका में गंजे ईगल ही पाए जाते हैं। बाज की सबसे छोटी प्रजाति दक्षिण निकोबार में सर्प ईगल के नाम से जानी जाती है, जिसका वजन मात्र 500 ग्राम के लगभग होता है। बाज की प्रजातियाँ में नर बाज की तुलना में मादा बाज बड़ी और ताकतवर होती है। 320 से 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक बाज उड़ सकता है। बाज एक बार में उड़ान भरने के बाद लगभग 6 से 8 घंटे हवा में ठहर सकता है। एक व्यक्ष बाज के शरीर की लंबाई 15 से 23 इंच और पंख की लंबाई 30 से 45 इंच तक हो सकता है। बाज आसमान में 10 से 12 हज़ार के फीट की ऊँचाई तक उड़ान भर सकता है। वयस्क बाज के पंख पतले तथा मुड़े हुए होने के कारण उसे तेजी गति से उड़ने की दिशा बदलने में सहायता प्रदान करते हैं। बाज की नज़र इतनी तेज होती है कि यह उड़ान भरते हुए हवा में 5 किलोमीटर की दूर से अपने शिकार को देख सकता है। बाज को हर रोज खाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इनके पेट में भोजन को संग्रहित करने की विशेष बनावट होती है। इनकी नाक पर एक ट्यूबर सेल्स होते हैं, जो उड़ते समय सांस लेने में मदद करते हैं। 40 की उम्र के बाद बाज की चोंच सामने से झुक जाती है, जिससे यह शिकार नहीं कर पाता है। बाज 40 की उम्र के बाद अपने ही पंख को नोच नोच कर जिस्म को अलग कर देता है। इंसान के जबड़े से 10 गुना ज़्यादा ताकत बाज के जबड़े में होता है। सेल्स समुद्री ईगल प्रजाति का बाज विश्व का सबसे वजनदार बाज होता है, जिसका वजन लगभग 9 से 10 kg के बीच होता है। सबसे ज़्यादा वजन उठाकर उड़ने वाला पक्षी रिकार्ड ब्लड ईगल के नाम है। इसने 7 किलोग्राम के हिरण के बच्चों को उठाकर उड़ा था। अपने शिकार को बाज पहाड़ी की ऊंचाई चोटी से गिराकर मार डालते हैं, जिनके मुख्यतः बकरियों, मेमने, हिरण के बच्चे होते हैं। हवाई जहाज के पंख से कहीं अधिक मजबूत शक्ति और ताकत बाज के पंख में होती है। जंगल में बाज का जीवन काल लगभग 20 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक होता है। पालतू और चिड़िया में रहने वाले बाज का जीवन काल लगभग 50 से 60 वर्ष तक होता है। बाज जीवन काल में एक ही साथी के साथ संभोग करते हैं। ब्लड ईगल अपने साथी के साथ उड़ते हुए हवा में संभोग कर सकते हैं। मादा बाज अपने एक प्रजनन काल में 3 से 5 अंडा देती है। बाद में अंडों को निकलने वाले अन्य बच्चों को बाज बड़े बच्चे उन्हें मार डालते हैं। एक वयस्क नर बाज का वजन लगभग 3.5 से 4.5 किलोग्राम तक होता है। बाज की सबसे छोटी प्रजाति दक्षिण निकोबार की है, जिसका वजन 500 ग्राम तक होता है। इनकी आँख का वजन उनके दिमाग से भी बड़ा होता है। बाज की आँख पराबैंगनी प्रकाश को देखने में सक्षम होती है। कभी कभी बाज अपने भोजन की तलाश में सैकड़ों किलोमीटर दूर किया